कोलारस की, जहां से एक बड़ी खबर मिल रही है। पाइपलाइन खुदाई के दौरान यहां एक बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि खुदाई के समय मिट्टी धसकने से 5 मजदूर दब गए, वहीं 4 मजदूरों का रेस्क्यू हो चुका है, 1 का रेस्क्यू अब भी जारी है। मौके पर प्रशासनिक अमला भी मौजूद है। कोलारस थाने के बायपास की एक घटना है, जहां पाइपलाइन की खुदाई चल रही थी और अचानक ही यहां पर मिट्टी धसक गई। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नल जल योजना की पाइपलाइन खुदाई का कार्य चल रहा था, अचानक ही मिट्टी धसक गई और इसमें 5 मजदूर दब गए। बताया जा रहा है कि 4 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन 1 मजदूर को अब भी तलाशा जा रहा है। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मुकेश लाइव जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मुकेश, जिस तरह से यहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है, फिलहाल 1 मजदूर का रेस्क्यू जारी है, क्या अन्य मजदूरों के भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है? कितना समय लग सकता है रेस्क्यू में? शुभांगी, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये कोलारस बाईपास पर अभी मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ये रेस्क्यू किया जा रहा था। अभी भी जो संभावना जैसी की जताई जा रही थी प्रशासन के द्वारा कि यहाँ पर और भी मजदूर हो सकते हैं, तो इसलिए वहां पर अभी भी मशीन चलाई जा रही है, खोजने की कोशिश है। जो मजदूर एक दबा हुआ था, जिसकी पुष्टि प्रशासन ने कर दी है कि हाँ एक इसमें मजदूर था, उसको निकाल लिया गया है, अभी जस्ट निकाला है, मगर अभी भी एहतियात के तौर पे और खंगाले जा रहे हैं कि कहीं हो सकता है कि और मजदूर यहाँ पर हों। मगर जहां तक जैसी हालत में उस मजदूर को निकाला गया है, 4 मजदूर तो पहले ही अस्पताल भेज दिए गए थे, मगर जो मजदूर अभी निकाला गया है, संभावना ऐसी है कि वो उसकी हालत बहुत ही गंभीर दिखाई जा रही है, उसको तुरंत हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। प्रशासनिक पूरा अमला मौजूद है, यहाँ पर अनुभागीय अधिकारी ब्रज बिहारी श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे आपकी बात कराना चाहूंगा कि आखिर ये पूरे मामले में उन्होंने खुद रेस्क्यू यहाँ पर खड़ा होकर के करवाया है। सर थोड़ा उनसे बात, सर ये अभी तक यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है, कितनी देर कार्रवाई चली है, कितने मजदूर? लगभग 2 घंटे हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जिसमें 1 मजदूर की डेथ हो गई है, 4 को हम पहले ही सुरक्षित निकाल के अस्पताल पहुंचा चुके हैं। सर कितने घंटे चला ये रेस्क्यू? लगभग 2 घंटे। अभी भी मशीन चलाई जा रही है? अभी तो हम केवल एहतियात के तौर पर देख रहे हैं कि कहीं कोई और मजदूर तो नहीं है। सूचना जो कि 5 की ही थी, 5 में से हम 4 को निकाल चुके हैं और 1 अभी आपने देखा ही है, लगभग वो मृत ही है, उसकी पुष्टि होना बाकी है। तो ये जो मजदूर थे सर, वो कहाँ के बताए जा रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे थे? ये L&T कंपनी अपना काम कर रही है, तो उसके किसी ठेकेदार मजदूर होंगे, बाहर के होंगे, राजस्थान से आए हैं संभवतः, तो उनके परिवारों की जानकारी ले रहे हैं, सूचना कर दी गई है। तो देखा सुभांगी, ये थे अनुभागीय अधिकारी ब्रज बिहारी श्रीवास्तव, जबकि देख रेख में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। तो जो यहाँ पर दबे हुए मजदूर थे, उनके परिवार जनों को सूचना कर दी गई है और यहाँ पर आनन फानन में तुरंत ही एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल मजदूर को भेज दिया गया है। बिल्कुल मुकेश, 4 मजदूरों को अस्पताल भेजा गया है, उनकी हालत अब कैसी है? क्या उन मजदूरों से बातचीत करने की कोशिश की गई ताकि वो आंकड़ा बता पाए कि क्या उनके अलावा भी और मजदूर वहां काम कर रहे थे? हाँ, प्रशासन ने इस बात की पूरी पुष्टि की है, उनसे मजदूरों से बात करने की भी कोशिश की है। अभी संभावना उनके द्वारा ही बताया गया कि 5 के अलावा कोई मजदूर नहीं था, फिर भी सतर्कता के तौर पर उस मिट्टी को खंगाला जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि और भी मजदूर इसमें हो। शुभांगी, चलिए धन्यवाद मुकेश, आप नजरें बनाए रखिए, और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो जिस तरह से देखिए, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल खत्म हो चुका है, क्योंकि 5 मजदूरों के निकाले जाने की खबर अब मिल गई है, लेकिन प्रशासन वहां पर अब भी मौजूद है, एहतियात के तौर पर अभी भी सर्चिंग की जा रही है। मजदूरों का कहना है कि सिर्फ 5 मजदूर ही वहां काम कर रहे थे, 5ों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी यहां पर जो ये पूरा हादसा हुआ है, प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, नजरें बनाए हुए हैं। पाइपलाइन खुदाई का कार्य यहाँ चल रहा था और उस दौरान अचानक ही मिट्टी धसक गई। क्यों संभावना? तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जितनी गहराई में जाकर आखिरी बचे मजदूर को निकाला गया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ हादसा काफी बड़ा हुआ था, भारी मात्रा में मिट्टी धसकी थी। प्रधानमंत्री नल जल योजना के अंतर्गत यहाँ कार्य चल रहा था। संभावना?